देखो बेटा नेक्स्ट इसमें रेड ऑब्जेक्शन चैप्टर क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा इसका वो क्या बोलता है उसमें से मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए बताया उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा रिडक्शन के लिए। ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए उसके बारे में मैं आगे आपसे एक बात और करूंगा उससे पहले ये सवाल मैं करना चाह रहा हूँ बेटा सॉल्व। सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। यहाँ पर मेटल है कॉपर बेटा और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है बेटा प्लस वन। भाई एक ऑक्सीजन का माइनस टू हो गया ठीक है दोनों कॉपर का प्लस टू मिलाकर एक का प्लस वन हो गया और यहाँ कॉपर आ गया जीरो स्टेट में। कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है ठीक है पहला ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन। आयरन के लिए देखिएगा बेटा कि आयरन के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर था देखो बेटा आयरन पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो Fe3O4 था बेटा तीन आयरन है 3x माइनस एक ऑक्सीजन का टू होता है चार का बेटा तो ये x बराबर कितना हो गया प्लस 8/3। यहाँ पर एक आयरन का कितना है जीरो तो प्लस से जीरो में आया मतलब ये भी क्या हुआ रिडक्शन मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। सोडियम के लिए बेटा यहाँ जीरो है और यहाँ देखो हाइड्रोजन और सोडियम में से बेटा जब हाइड्रोजन की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन पर होगा माइनस वन और सोडियम पर क्या होगा बेटा प्लस वन। अरे होगा कि नहीं होगा भाई तो वास्तव में यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम का आंसर हो गया थर्ड। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ ये डिस्कस क्यों किया एक छोटी सी बात है अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा रिमूवल हो रहा है। मैंने ऑक्सीडेशन लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन और यहाँ क्या लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा रिडक्शन कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिकल के हिसाब से तो उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि सोडियम का रिडक्शन हो गया जबकि वास्तव में यहाँ हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन। सारी रामायण के बाद मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखना हो तो मैं कहूंगा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट फॉलो ना करें इसे आप फॉलो ना करें स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें बेटा इसको ज्यादा बेटर होगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ही सोल्व करें तो आपका गलत होने का चांस नहीं होगा। ध्यान दें क्लासिकल कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें फिर कह रहा हूं मैं आपको बेटा ये बस आपको लिखने के लिए ठीक है कि हाँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ एनसीईआरटी में सिर्फ लिख के बता दिया बाकी आपको जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सोल्व करना हो तो हमेशा किससे सोल्व करें ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से किससे सोल्व करोगे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से। यहां आपको साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में कि जीरो से प्लस क्या हो गया ऑक्सीडेशन आंसर हो गया थर्ड क्लियर है तो सॉरी क्लासिकल फॉलो करोगे या फिर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीडेशन नंबर से सोल्व करना है। अब बेटा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो बोलता क्या है आखिर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा बढ़ने का मतलब बेटा माइनस से कम देखो माइनस ज्यादा माइनस से कम माइनस से जीरो से प्लस से ज्यादा प्लस की तरफ जाने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना यानी माइनस से प्लस की तरफ जो जा रहा है उसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना जिसे अपन क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा आपको ये बात रिडक्शन में जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए था और उसमें से बेटा n1 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर क्या प्राप्त होगा ए के माध्यम पर प्लस का n1। रटो मत खुद सोचो बेटा अगर आपसे कोई बोला कि ए में से तीन इलेक्ट्रॉन चले गए तो आप ए पर प्लस का तीन लिखते ना तो वही तो चीज मैंने फॉलो करी। दूसरा ये माइनस था और इस पर कोई भी बेटा इन्होंने चार्ज नहीं लिखा मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में आ गया बेटा सोच के बताना कि मान लीजिए ए का माइनस तीन होता और सामने आपने ए लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे बेटा भाई तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में थे यहाँ पर और तीन इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद ए बना तो यानी कि बेटा मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बोलो क्या स्थिति आई होगी तीन इलेक्ट्रॉन इसमें से मैं लेफ्ट में अगर मैं माइनस लिखता n1 इलेक्ट्रॉन माइनस लिखता भाई तीन अगर देखो भाई माइनस तीन था तो तीन इलेक्ट्रॉन इधर माइनस करके ए बनाते ना तो अगर मैं इसको राइट साइड में लिखूंगा तो बेटा कैसे लिखूंगा प्लस तीन इलेक्ट्रॉन लिखूंगा क्या इधर बेटा बोलो तो तीन के लिए आपने इस तरह से लिखा तो अगर यहां से माइनस का n1 था इसका मतलब इसमें से n1 इलेक्ट्रॉन गए होंगे लेफ्ट में से गए होंगे तो प्रोडक्ट में आए होंगे। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा क्लियर है वाली बात इसी को देखो बेटा वापस से आगे ए का n1 और ए का n2 सोचना बात चल रही है ऑक्सीडेशन की ये बोल दिया गया आपको
कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब ए का प्लस एन वन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए के प्लस एन टू में। तो पहचानने का तरीका देखो डा, मैं कहूंगा कि जब भी ऐसा आए हमेशा सबसे बेस्ट होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिख लो आप, तो ए का प्लस टू था और ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, कह दिया गया कि ऑक्सीडेशन करवाना है, तो उस स्थिति में प्लस पांच लिख लो, मान लो बढ़ा के लिखो। अच्छा कितने मोल इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या तीन चले गए क्या बेटा, गए कि नहीं भाई, दो से पांच प्लस में चला गया तो तीन चले गए, तीन कैसे प्राप्त होता, क्या पांच माइनस दो करके प्राप्त होता क्या बेटा, बिल्कुल होता। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो जो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, इधर माइनस का था बेटा, इधर जो माइनस था इधर प्लस लिख दिया, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आ जाएगी बेटा, एन टू माइनस एन वन। अरे समझे कि नहीं समझे, और देखो बेटा जब माइनस से माइनस में चेंज होते हुए ऑक्सीडेशन करवाना है, इन सब प्रोसेस में कहा गया है कि ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, यहाँ फिर बोल दिया गया, तो कॉमन सेंस लगाना कि ए का माइनस पांच लिख लेता हूं, अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो आराम से सोच के जवाब दो बेटा, सोच के जवाब दो, माइनस टू लिखूंगी माइनस एट, माइनस टू लिखूंगा बेटा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, तीन। अच्छा बेटा जो इधर माइनस होता है इधर मैं प्लस लगाता उसको, भाई तीन इलेक्ट्रॉन चले गए ना बेटा, तो इधर आके प्लस का तीन, अच्छा वो तीन प्राप्त कैसे होगा, क्या पांच माइनस दो करने पर प्राप्त होगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या लिखूंगा जवाब दीजिए, एन वन माइनस एन टू लिख दूंगा क्या, क्या आपको तरीका समझ आया क्या बेटा। या आप ये भी कर सकते थे कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, जैसे यहाँ फाइनल एन टू था तो एन टू माइनस एन वन, यहाँ फाइनल क्या था बेटा माइनस का एन टू, फॉर्मूले में बेटा फाइनल माइनस इनिशियल बोला ना, तो ये था फाइनल माइनस, अच्छा इनिशियल कितना था बेटा माइनस का एन वन, तो ये माइनस का एन टू और प्लस का एन वन, तो क्या आ जाएगा बेटा एन वन माइनस एन टू। समझे क्या भाई, यहां अगर मैं करता है फाइनल माइनस इनिशियल तो फाइनल तो हो गया एन टू, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस। अरे तरीका समझ आया क्या बेटा आपको, इस तरह से भी आप कर सकते थे, कोई तकलीफ इसमें नहीं है बेटा, स्थिति क्लियर है ये वाली ऑक्सीडेशन की आप लोगों को। और जस्ट उसका इनवर्स किस में बनेगा बेटा, रिडक्शन में। फिर देखिए भाई इन चीजों को कभी रटो मत, अगर कभी तकलीफ हो तो एग्जांपल लिख के देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा आपके लिए। यहां पर देखिए प्लस का एन1 था, दैट मींस मान लीजिए प्लस का तीन था, और मैं चाहता हूं कि बेटा देखो प्लस का तीन था और उसको तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, प्लस का एन1 था एन1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए गए बेटा, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा ए, अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल बेटा। यहाँ पर बताइए बेटा कि न्यूट्रल था और उसको N1 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो माइनस का N1 आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं, रिडक्शन प्रोसेस आप करवा रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ये तो तय है बेटा, क्योंकि रिडक्शन करवा रहे हो। अब बेटा ए के प्लस N1 से ए का प्लस N2 बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, सोचना कि मान लो प्लस 7 था, अगर रिडक्शन करवा रहे हो तो प्लस चार्ज घटेगा, मान लो वो प्लस 2 पे आ गया, कैसे प्राप्त होगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन मिले इसके एक मोल को बेटा, पांच, भाई सेवन से टू में आ गया ना पांच, तो कैसे प्राप्त होगा, सेवन माइनस टू, यानी कि क्या मैं यहां पर N1 माइनस N2 लिख सकता हूं क्या, बोलो बेटा। दूसरा देखिए माइनस से माइनस में रिडक्शन करवा रहे हैं, मान लो माइनस टू था, अब अगर रिडक्शन करवा रहे हो तो माइनस चार्ज बढ़ता है, रिडक्शन में बेटा माइनस चार्ज बढ़ेगा, मान लीजिए माइनस का पांच आया तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, तीन, कैसे प्राप्त होगा, पांच माइनस दो करके आ जाएगा, यानी क्या मैं यहां पर N2 माइनस N1 लिख सकता हूं क्या, बोलो भाई। अगर आप पहचानो तो एक काम हो रहा है क्या बेटा इसमें, वहां था फाइनल माइनस इनिशियल, यहां है इनिशियल माइनस फाइनल, पहचानो N1 माइनस N2, यहां इनिशियल कितना था बेटा N1 माइनस और फाइनल ये, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, N2 माइनस N1 आ गया, तो यहां क्या होगा बोलो, बोलो भाई, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल N1 था, अरे था ना, माइनस फाइनल, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा N1 N2। क्या आपको तरीका समझ आ गया क्या बेटा, दोनों तरह से आपको क्लियर होना चाहिए इस तरह से, या तो यहां पर अपन ने क्या लिखा बोलो, इनिशियल माइनस फाइनल जोड़ने के लिए रिडक्शन के केस में, और यहां क्या लिखा बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, या तो इस तरीके से कर लो बेटा आप लोग, या फिर ऐसे देखो कि भाई प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे, दैट मींस यहां से रिमूव हुए होंगे बेटा, और कितने रहेंगे उसके लिए, या तो आप यहां पर इनिशियल फाइनल माइनस, इनिशियल माइनस फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल देखो, या फिर डायरेक्ट एग्जांपल लिख के देख लो, उससे भी काम हो जाएगा। जैसे मान लो
आपको बोला ए का माइनस तीन था और अब ए का प्लस पांच हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया खुद बताओ ना, कितने का चेंज आया, आठ का आया कि नहीं आया? अरे भाई माइनस का तीन था मतलब तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में थे और अब पांच की कमी हो गई सीधे, तो आठ इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, तब जाके एक्स्ट्रा तीन से पांच की कमी होगी बेटा। क्या तरीका समझ आया आपको? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ओए से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो इलेक्ट्रॉन खाए, और जो खुद इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाने वाला खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है या डिडक्टेंट बोलो बेटा, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देगा। एक सिंपल चीज समझना बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होते हैं, वो सिंपल उदाहरण है, मरने वाला और मारने वाला अलग अलग होते हैं, यानी कि बेटा जिसका रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग होते हैं। अरे समझे क्या? पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है पहले यह देखो कि हो क्या रहा है किसी स्पीसीज का। यहां पर जिनकी स्टेट है जीरो, यहां है प्लस टू, जीरो से प्लस टू क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और बेटा कॉपर में प्लस टू से जीरो क्या हुआ बोलो, रिडक्शन। तो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो यहां काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। कौन है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक। और बेटा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहां पर बेटा? सीयू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि कॉपर प्लस टू? कॉपर प्लस टू। अरे समझे क्या? यहां पर बेटा रिएक्शन देखिए, पोज करके पहले सॉल्व करो आप कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर चेक करना। यहां हाइड्रोजन की स्टेट है माइनस वन और इसमें हो गई जीरो। हाँ बेटा माइनस वन से जीरो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ बेटा। और यहां जीरो से माइनस वन बोलो बेटा ये क्या हुआ है, जवाब दो, रिडक्शन। तो कंडीशन क्या हुई बेटा कि जहां ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा एजेंट है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। ये मैं कहना चाह रहा हूं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जैक्टली यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? एच माइनस। अच्छा जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। कौन है एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आई टू। क्या आपको तरीका समझ आया क्या भाई? क्लियर है स्थिति? वो सिंपल सा उदाहरण है, क्या देखो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चले बेटा आगे नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि सारी बातें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेंगी। उसको देखें, उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस भी देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, इनको उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं मैं। HNO3 की स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, यहां पर बेटा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है गिनो, एक दो तीन चार, तो यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? चार। ध्यान दें वैलेंसी में कभी भी साइन काम में नहीं आता, वैलेंसी में साइन कभी काम नहीं आता, कौन सा प्लस या माइनस का, वैलेंसी में साइन काम नहीं आता बेटा कभी भी, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं बेटा तो वो है पांच, लेकिन सिर्फ पांच नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लस पांच, कि ऑक्सीडेशन स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा विद साइन आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। बेटा ध्यान दें वैलेंसी हमेशा विदाउट साइन होती है, वैलेंसी हमेशा कैसी होती है बोलो बेटा, विदाउट साइन। और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसे होते हैं बेटा, विद साइन होते हैं। एक और छोटी सी बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस जो होता है ना बेटा, वो होता है क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेपरेट चार्ज, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज चार्ज। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर सिंगल है, एक ही नाइट्रोजन है, तो क्या सेपरेट और क्या एवरेज, देखो बेटा दोनों सेम ही रहने, प्लस पांच ही रहेगा। ये वाली बात आपको इस एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगी। N3H हाइड्रोजोइक एसिड मैंने लिखा हुआ, उसकी स्ट्रक्चर बना रखी है, और कुछ देर में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इसी लेक्चर में कि ये नाइट्रोजन जीरो जीरो प्लस टू माइनस टू माइनस वन प्लस वन, थोड़ा समझाऊंगा डरिए मत। इस नाइट्रोजन की ओवरऑल है जीरो, इस नाइट्रोजन की ओवरऑल है प्लस टू और इस नाइट्रोजन की ओवरऑल है माइनस तीन।
तो अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो वो रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, सेपरेट चार्ज को। यहां इस नाइट्रोजन पर कितना है जीरो, इस नाइट्रोजन पर कितना है प्लस टू, और इस नाइट्रोजन पर कितना है माइनस तीन। तो ये तो हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो वो होता है एवरेज। एवरेज बेटा नाइट्रोजन की बात करेंगे अपन, तो देखो तीन नाइट्रोजन है, तीनों की टोटल मिला के कितनी है देखो, जीरो प्लस टू माइनस थ्री, और कितने नाइट्रोजन है तीन, तो तीन का एवरेज निकाल लो, कितना प्राप्त हो गया बेटा माइनस वन बाई थ्री। अरे क्या समझे क्या आप लोग इस बात को कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, सेपरेट अलग अलग चार्ज को रिप्रेजेंट करना, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज निकाल लेना बेटा, ठीक है। यहां फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक ही नाइट्रोजन था, जब एक ही स्पीसीज हो तो क्या एवरेज और क्या बेटा सेपरेट देखना उसमें। क्या ये आपको समझ आया क्या भाई, वैलेंसी में चार्ज नहीं काम आता, इंटीजर वैल्यू होती है बेटा वैलेंसी हमेशा, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों फ्रैक्शनल भी हो सकते, देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बेटा फ्रैक्शनल हो सकता है, स्टेट कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज वाला, ठीक है, उसकी आपको जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ काम आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेपरेट चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज। जब आप किसी का एवरेज निकालोगे तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या स्थिति क्लियर है बेटा, आपको चेक कैसे करना होता है स्टेट और नंबर को, ये जो मैंने सॉल्व किया है किस तरह से करते हैं वो समझे अपन बेटा। रूल्स है डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। पहला है जब कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये जो दोनों है ना बेटा, ये दोनों कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है कौन से बॉन्ड को, कोवेलेंट को बेटा, और ये वाली जो कैटेगरी है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। यहां शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर साझे में करते हैं, इक्वल बेटा शेयरिंग करते हैं, और यहां पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दे रहा होता है। अब इसे ट्रीट कैसे करते हैं देखो बेटा, कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट्स के बीच में हो तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी होती है जीरो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है और मैंने इमेजिन किया ये कि ए से ज्यादा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये लिखा हुआ है पहले से, अपन ने इमेजिन कर लिया ऑलरेडी कि मान लीजिए ए से ज्यादा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बेटा सिंगल बॉन्ड होने पर जिसकी एन ज्यादा उस पर माइनस वन, जिसकी कम उस पर प्लस वन। अगर डबल है तो ज्यादा वाले का माइनस टू बेटा, कम वाले का प्लस टू। ट्रिपल है तो ज्यादा वाले का माइनस तीन और इसका प्लस तीन। ये क्या लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, स्टेट भी बोल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेटा एक एक एलिमेंट ही तो है यहाँ पर। क्या कोवेलेंट बॉन्ड का ट्रीटमेंट समझ आया, अगर सेम हो तो जीरो जीरो होगा, अगर अलग हो तो जिसकी ई एन ज्यादा उस पर माइनस, जिसकी ई एन कम उस पर प्लस, सिंगल है तो माइनस वन प्लस वन, डबल हो तो माइनस टू प्लस टू, ट्रिपल है तो माइनस थ्री प्लस थ्री बेटा। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, समझना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आराम से सोच के देखना बेटा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों एलिमेंट सेम है तो देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू। अगर अलग अलग है और कंडीशन क्या है बेटा, देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं कि एन ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, सॉरी लेस देन और इक्वल टू बी, तो कैटेगरी जब ये दोनों सेम आ गए तो देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू। अगर मान लीजिए कि देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो इस पर प्लस टू और इस पर माइनस टू, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा देने वाले की क्या हो ज्यादा, तो उस स्थिति में बेटा देने वाले पर और लेने वाले पर दोनों पे जीरो माना जाता है। अगर देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या बराबर हो तो देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू, और अगर देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो जीरो जीरो कंसीडर किया जाता है। और सिंपल बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो इतना सा ध्यान रखो कि अगर देने वाले की ज्यादा है ना तो जीरो जीरो लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी वास्तव में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है बेटा, ये सारी रामायण आपको समझ आएगी इन उदाहरणों से, आराम से देखे एक एक नंबर से बेटा।
सल्फर सल्फर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट की कोऑर्डिनेट ध्यान से देख ले, कोवलेंट है तो कोवलेंट है, सेम एलिमेंट्स के बीच में बेटा कोवलेंट अगर हो तो कितना लेना होता है, जीरो जीरो। एस और ओ के बीच में देखो बेटा कोवलेंट है कि कोऑर्डिनेट, कोवलेंट है, और कोवलेंट में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो जिसकी ई एन ज्यादा उस पर माइनस वन और जिसकी कम उस पर प्लस वन, इतना तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। फिर देखिए बेटा यहां पर चलो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं बीच में, एस डबल बॉन्ड ओ, सोच के जवाब देना बेटा क्या कोवलेंट है, बिल्कुल है कोवलेंट बेटा, और अगर कोवलेंट बॉन्ड हो, अगर कोवलेंट बॉन्ड हो तो जिसकी एन ज्यादा उस पर माइनस और जिसकी कम उस पर प्लस, और डबल बॉन्ड अगर है तो यहां पर माइनस टू, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा प्लस टू। फिर देखो एस और एस, यहां देखो आप अच्छे से कोवलेंट है कि कोऑर्डिनेट, एस और एस के बीच में यहां पर है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है बेटा, अगर दोनों सेम हो तो भी देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू। अब कहोगे कि आपने यहां तो जीरो जीरो लिया था, अरे वो कोवलेंट था, ये कोऑर्डिनेट है, समझे क्या? ठीक है बेटा, यहां सल्फर और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ध्यान दे देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सल्फर की बेटा, तो यहां पर क्या होगा, देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू। फिर आप में से कुछ पूछ लेंगे क्या कि सर आपने यहां तो प्लस वन माइनस वन लिया था, यहां प्लस टू माइनस टू, अरे वो कोवलेंट था, ये कोऑर्डिनेट है, कोवलेंट अलग बात, कोऑर्डिनेट अलग बात, अरे समझे क्या? आगे देखो, नाइट्रोजन और कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रखा है बेटा, अरे बोलते क्यों नहीं, नाइट्रोजन कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रखा है, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में देखना पड़ेगा क्या नाइट्रोजन और कार्बन में से बेटा नाइट्रोजन की ई एन ज्यादा होती है, यानी यहां देने वाले की ई एन ज्यादा है बेटा, तो ऐसे में जीरो जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, अरे समझे क्या आप लोग बेटा। सी ओ कार्बोनिल, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट की, दोनों दोनों है बेटा, दोनों है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो तो कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, है कि नहीं? ठीक है, पहले अपन कोवलेंट बॉन्ड को ट्रीट कर लेते हैं, कोवलेंट को, कोवलेंट कौन से है बेटा, ये वाला और ये वाला, इनको अपन ट्रीट कर लेते हैं। कोवलेंट अगर है तो जिसकी ई एन ज्यादा उस पर माइनस और जिसकी कम उस पर प्लस, और अगर डबल हो तो जिसकी एन ज्यादा उस पर माइनस टू और जिसकी कम उस पर प्लस टू। अब जो बच गया बेटा आगे, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला कौन सा है बोलो, क्या ये वाला कोऑर्डिनेट है क्या? बिल्कुल है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में बेटा देखना ये पड़ेगा कि कहीं देने वाले की ई एन ज्यादा तो नहीं है, क्या यहां पर ऑक्सीजन, देने वाला ऑक्सीजन है बेटा, और देने वाला अगर ऑक्सीजन है, और देखो बेटा आप मुझे बताइए क्या ऑक्सीजन की एन कार्बन से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो ऐसे में मुझे जीरो जीरो लेना पड़ेगा, अरे समझे क्या सीओ का ट्रीटमेंट बेटा आप लोग, क्लियर है? अगर वो समझ आया तो बेटा इसे अब अपन सोल्व करते हैं, आप लोग बेटा उम्मीद करूंगा कि आप पहले पोच करके एक बार सोल्व करके जरूर देखेंगे, फिर आगे देखना आप लोग। N3H स्ट्रक्चर मैंने बना दी हाइड्रोजोइक एसिड की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, अगर कोवलेंट है सेम एलिमेंट के बीच में तो जीरो जीरो। यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा है, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में अगर सेम हो तो भी देने वाले पर प्लस टू और लेने वाले पर माइनस टू, यहां दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि ये कोवलेंट थे और ये कोऑर्डिनेट है। अच्छा N और H किसकी ई एन ज्यादा, नाइट्रोजन की कि हाइड्रोजन की, बोलो नाइट्रोजन की, और कोवलेंट बॉन्ड है तो जिसकी एन ज्यादा उस पर माइनस और जिसकी कम उस पर प्लस, सिंगल था तो माइनस वन प्लस वन आ गया, तो बेटा यहां से ये नाइट्रोजन ओवरऑल जीरो हो गया, ये नाइट्रोजन ओवरऑल प्लस टू हो गया, और ये नाइट्रोजन ओवरऑल माइनस तीन हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हुई, जीरो प्लस टू माइनस थ्री, और ऑक्सीडेशन नंबर जब आपने निकाला तो इन तीनों का एवरेज निकलेगा, तो पहले तो इन तीनों को जोड़ दो, जीरो प्लस टू माइनस थ्री, और फिर तीन नाइट्रोजन थे ना बेटा तो तीन से डिवाइड कर दो, अरे कितना प्राप्त हो गया, माइनस वन बाय थ्री, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, अरे समझे क्या बेटा। Br3O8 इसकी स्ट्रक्चर बेटा अगर आप याद भी कर लो तो बुराई नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये है, किस तरह से सॉल्व करेंगे आराम से देखिएगा बेटा अच्छे से। ब्रोमीन और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में बेटा
कोवलेंट बॉन्ड है वो भी दो और ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो बेटा माइनस टू प्लस टू, इसके साथ माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू। अच्छा ब्रोमीन ब्रोमीन कोवलेंट जीरो 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 जीरो, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू। तो बेटा ये ब्रोमीन ओवरऑल आ गया प्लस सिक्स का, ये ब्रोमीन आ गया बेटा प्लस फोर का, और ये ब्रोमीन आ गया प्लस सिक्स का। तो मुझे इतना बता दो कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है बेटा तीनों ब्रोमीन के अलग अलग, बेटा प्लस सिक्स प्लस फोर और प्लस सिक्स आई क्या, प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स। और अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालता बेटा तो बताइएगा तीनों का एवरेज, तो प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स, और तीन ब्रोमीन थे तो तीन से डिवाइड कर दो बेटा प्लस सिक्सटीन बाय थ्री। क्या आपको तरीका समझ आ गया क्या बेटा, जवाब दो भाई, क्या स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को, ये वाली कोई तकलीफ इसमें बेटा नहीं है, ये स्थिति क्लियर आपको बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेपरेट चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज चार्ज। डरिए भाई मैं सिखाऊंगा बेटा, ऐसे जगह नहीं थी ना वो पिछले साफ किया था। C3O2 इसका नाम भी एक्चुअली क्या, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है बेटा, अब अगर अपन इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रीट करें बेटा इसकी, तो देखो ये माइनस टू प्लस टू, कार्बन कार्बन सेम आगे जीरो जीरो कोवलेंट में, फिर जीरो जीरो, और इधर बेटा प्लस टू माइनस टू। तो बताइए इस कार्बन की कितनी हो गई प्लस टू, इस कार्बन की जीरो और इसकी प्लस टू। तो बोलो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो गई, बोलो बेटा कार्बन की प्लस टू जीरो प्लस टू कार्बन की। और अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं बेटा तो क्या इन तीनों का एवरेज आएगा, तीनों को जोड़ दो तो प्लस का चार आया, और कितने कार्बन थे तीन थे बेटा, तो कितना हो गया प्लस फोर बाई थ्री। अब तो आपको तरीका समझ आ गया होगा बेटा कोवलेंट कोऑर्डिनेट कैसे ट्रीट करना है। दूसरी कैटेगरी है बेटा इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, जीरो वाली। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि पहले आप ये बेटा पोच करके सोल्व कर लें, सी आर ओ फाइव एच टू एस फोर ओ सिक्स, और एक स्ट्रक्चर बेटा देखिएगा एक बार क्या स्थिति है, क्या स्ट्रक्चर है बेटा CrO5 की, CR डबल O, दो इसमें परोक्सी बॉन्ड है क्या, अरे है कि नहीं, दो परोक्सी बॉन्ड इसके अंदर बिल्कुल है। करिए ट्रीट बेटा यहां से, अगर मैं इसको ट्रीट करूं तो देखो ये माइनस टू, ये प्लस टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। तो ये क्रोमियम क्या ओवरऑल प्लस सिक्स का आ रहा है क्या बेटा, और इसको ये भी बोल देते हैं बेटा कि इसकी शेप कैसी बोल देते हैं बेटा, बटरफ्लाई शेप, किसके जैसी है, तितली के जैसी, बटरफ्लाई के जैसी। और इसमें जो क्रोमियम है बेटा वो कौन सी स्टेट में, बोलो प्लस सिक्स स्टेट के अंदर है। और कायदे से बेटा पांच ऑक्सीजन है ना, तो कायदे से तो प्लस टेन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये प्लस टेन ना होके कम रह गया, प्लस सिक्स रह गया। और अच्छा बताओ इसकी जो होनी चाहिए थी उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण क्या है बेटा, कारण क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ परोक्सी बॉन्ड। ध्यान दें जहां भी परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ना बेटा, वहां कायदे से जितनी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में उससे कम मिलेगी आपको स्टेट हमेशा। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमियम की CrO5 में स्टेट प्लस 10 नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होने पर स्टेट थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, एच टू एस फोर ओ सिक्स बेटा नाम भी है इसका क्या, टेट्रा थायोनिक एसिड, चार सल्फर, हाँ भैया एक ऑक्सीजन, दूसरा तीसरा एच के साथ, एक ऑक्सीजन दूसरा और तीसरा एच के साथ। तो कैटेगरी क्या होगी बेटा, देखिए करिए ट्रीट बेटा इसको, बोलो माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, सिंगल है तो माइनस वन प्लस वन, और सल्फर सल्फर जीरो जीरो। तो ये वाला जो सल्फर है ना बेटा, दो दो चार और एक पांच, प्लस पांच का आया, ये जीरो का, इधर फिर जीरो जीरो बेटा, इधर बोलो
माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू सिंगल है, माइनस वन प्लस वन, तो बेटा ये कितना हो गया प्लस का पांच। तो यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या क्या है, तो बोलो सल्फर एक प्लस पांच का, जीरो का, फिर जीरो का, फिर प्लस पांच का बेटा। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे आपसे सल्फर का बेटा, ये भी सल्फर की स्टेट थी, सबकी सेपरेट चार्ज बता दिया। हाँ टोटल करें तो प्लस का दस हो गया, और कितने सल्फर थे बेटा, कितने सल्फर थे, चार सल्फर थे, चार से डिवाइड कर दो तो प्लस 2.5। क्या समझ आया, जो बीच में दोनों सल्फर है ना बेटा, उन दोनों की जीरो और जीरो है। एक्चुअली जो बेटा स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस करी ना कुछ बेटा, N3H की, Br3O8 की, C3O2 की, CrO5 की, टेट्राथायोनिक एसिड की बेटा, ये स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। वरना मैं डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकता था, क्योंकि अगला तरीका भी अपन सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन बेटा इनकी तो आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई भाई, सीधी सी बात है। इसको अगर मैं ट्रीट करूं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को, आराम से खुद देखिएगा बेटा, सल्फर और सल्फर के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है तो बेटा देने वाले पर प्लस टू, लेने वाले पर माइनस टू, कोवेलेंट नहीं है, ऊपर में कोवेलेंट था, यहाँ कोऑर्डिनेट अंतर होता है, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बेटा सल्फर पर प्लस टू, ऑक्सीजन पर माइनस टू कोऑर्डिनेट में। अब अगला कोवेलेंट है तो सिंगल सिंगल ही आएगा बेटा, सिंगल कोवेलेंट है तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये ओवरऑल सल्फर प्लस सिक्स का आ गया, और ये ओवरऑल सल्फर कितने का आ गया माइनस टू का, सेंट्रल वाला सल्फर प्लस सिक्स का आ गया और सराउंडिंग वाला कितने का आ गया माइनस टू का इस स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है बेटा आपने आपको? दूसरा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब कब होगी, उनकी कुछ कंडीशंस यहां लिखी हुई है। पहली है बेटा एलिमेंटल फॉर्म हो और वो उस पर भी कोई चार्ज ना हो। देखिए I2O2S8P4 एलिमेंटल फॉर्म से बेटा, और उस पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो यहां भी स्टेट जीरो है बेटा। यहां पर भी स्टेट कितनी है बेटा, जीरो। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। अगर मेटल अलॉय है बेटा, अब मेटल अलॉय में बेटा ब्रास अगर है तो कॉपर प्लस जिंक होता है। अब मेटल के साथ मेटल की दोनों की स्टेट बेटा जीरो जीरो रहती है। मेटल अमलगम में बेटा वैसे भी मेटल मेटल हो गया ना, तो यहाँ पर दोनों मेटल की स्टेट कितनी होती है, जीरो। मेटल कार्बोनिल है और साथ में कोई दूसरा नहीं है, तो देखो अगर कुछ याद हो तो अभी अपन ने पढ़ा था CO वाला केस, CO का इधर ये माइनस टू इधर ये प्लस टू, दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गया जीरो। तो ऐसे स्थिति में बेटा जब इससे जुड़े हुए CO वाले ही जीरो चार्ज के हैं बेटा, तो Ni भी कितना होगा बेटा, इसमें जीरो है। मेटल कार्बोनिल में भी मेटल जीरो होता है बेटा। अच्छा एलोट्रोप्स बेटा, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो बेटा, इनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बोलो जीरो। तो पांच कंडीशन अपन ने पढ़ ली, एलिमेंटल फॉर्म विदाउट चार्ज, मेटल अलॉय, मेटल अमलगम, मेटल कार्बोनिल और एलोट्रोप्स। ध्यान दें मेटल कार्बोनिल में अगर साथ में कुछ दूसरा नहीं है तभी आप सीधे सीधे मेटल को जीरो चिपकाना बेटा, साथ में कोई दूसरा हो तो फिर अपन सोल्व करेंगे उसको, जीरो वाली स्टेट क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सिंगल एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसका चार्ज, उसका चार्ज अगर सिंगल एटॉमिक आयन है कि Fe प्लस टू है तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस टू होगा। इस सल्फर का S माइनस टू में सल्फाइड है ना बेटा, इस सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा माइनस टू, उसका चार्ज अगर सिंगल एटॉमिक आयन है तो। अगर ओवरऑल कंपाउंड है, देखो बेटा कंपाउंड और पॉली एटॉमिक एनायन में, सॉरी कंपाउंड और पॉली एटॉमिक आयन में एक फर्क है। पॉली एटॉमिक आयन में क्या होगा कि ओवरऑल आपके पास में कंपाउंड के ऊपर बेटा कोई ना कोई चार्ज बचेगा, या तो प्लस का या माइनस का। और अगर सिर्फ कंपाउंड बोला ना आपने बेटा, यानी उसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, जीरो रहेगा बेटा। अगर मैं बोलूं SO3 तो ये कंपाउंड कह दोगे आप इसको, और अगर मैं बोल रहा हूं SO4 2- तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन। अरे समझे क्या, तो अगर कंपाउंड है तो उस पर ओवरऑल चार्ज जीरो बचता है। तो यहां भी मैंने देखो बेटा सारी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम जीरो लिख दिया, और अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो बेटा इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम है वो किसके बराबर मिलना चाहिए, माइनस टू के बराबर, मतलब इसके चार्ज के बराबर। क्लियर है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो भी कौन सी फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में बेटा, जब ये किसी दूसरे से अटैच नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे से अटैच नहीं है और उस पर चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है, लेकिन जब वो किसी दूसरे से अटैच होगा तो फिर बदल सकती है। फर्स्ट ए वाले
जिसे अपन एल्कली मेटल्स में गिनते हैं बेटा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जब भी किसी दूसरे से जुड़ेंगे कितनी होगी, प्लस वन। सेकेंड ए वालों की हमेशा कितनी होगी, प्लस टू। इसमें क्या क्या आ जाते हैं बोलो, लीना की रब से फ्रेंचियम नहीं लिखा, रेडियो एक्टिव है। इधर बोलो बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है बेटा, रेडियम नहीं लिखा, फिर वो रेडियो एक्टिव है। ये जब भी किसी दूसरे से जुड़े होंगे, एल्कली मेटल हमेशा प्लस वन और एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा प्लस टू होंगे। फ्लोरीन जब भी किसी दूसरे से जुड़ेगा माइनस वन देखने को मिलेगा बेटा आपको, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ओ पर माइनस टू, और इसका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, माइनस टू। परोक्साइड क्या होता है, ओ टू टू माइनस, जब दो ऑक्सीजन पर माइनस का दो है तो एक पर कितना होगा, माइनस का वन, तो बेटा यह माइनस वन आ गया। सुपर ऑक्साइड में बेटा दो ऑक्सीजन पर माइनस का एक, दो पर माइनस का एक तो एक पर माइनस का आधा। ओजोनाइड में तीन ऑक्सीजन पर माइनस का एक तो एक पर माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा। ओ एफ टू में बेटा, अब ओ एफ टू में ऑक्सीजन की पूछी है, ओ एफ टू में किसकी पूछी है, ऑक्सीजन की, और फ्लोरिन की बेटा कितनी फिक्स है बोलो, माइनस वन। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, तो इसकी तो माइनस वन हो गई। अब एक फ्लोरीन की माइनस वन, दो फ्लोरीन का माइनस दो, अगर दो फ्लोरीन का माइनस टू है तो इस ऑक्सीजन पर कितना रहा होगा, प्लस टू रहा होगा बेटा, समझे। फिर इधर देखिए, इन दोनों फ्लोरीन पर मिलाकर माइनस का दो होगा, तो इन दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर प्लस का दो होगा। अब दो ऑक्सीजन पर प्लस का दो तो एक पर कितना, प्लस वन, तो ओ एफ टू में ऑक्सीजन प्लस टू का है और ओ टू एफ टू में ऑक्सीजन प्लस वन का है। स्थिति क्लियर बेटा आपको। हाइड्रोजन अगर बेटा किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब तो वो होगा माइनस वन का, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, प्लस वन का। जनरली हाइड्रोजन कैसे होते हैं बेटा, जनरली हैलोजन जब भी किसी लेस ईएन के साथ जुड़ते हैं तो किस स्टेट के होते हैं, माइनस वन के बेटा। यानी ये सब सोल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी फॉलो करते हैं, पोलिंग स्केल की। हाइड्रोजन की 2.1 है बेटा, ठीक है। फ्लोरीन की 4 लिखो, अब लेफ्ट में 0.5 कम करते चलो, अपने आप मिल जाएगा। ऑक्सीजन की बोलो 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। यहां क्लोरीन की 3 के आसपास होती है, पहले 0.5 कम करो, उसके बाद 0.4 कम करो, उसके बाद 0.3 कम करते चलो लगातार। अरे समझे क्या। अब यहां से एक और छोटी सी बात मैं लिखूंगा, यहां से अपन को यह लगता है कि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इक्वल है। थोड़ा सा आगे डेटाबेस देखो तो बेटा फॉस्फोरस की थोड़ी सी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ऐसे ही बेटा सल्फर की कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा होती है और क्लोरीन की नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। स्लाइटली चेंज होता है आगे डेटाबेस, लेकिन अगर कभी देखना पड़े मजबूरी में तो यह भी देखना ही पड़ेगा फिर बेटा अपन को, कि फॉस्फोरस की हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा, सल्फर की कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा और क्लोरीन की नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इनके यूज के साथ डायरेक्ट कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा वो तरीका सीखिएगा। देखिए बेटा C3O2 में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है डायरेक्ट, जिसका निकालना है बेटा क्या है, कार्बन, कितने कार्बन है, तीन, तो तीन के लिए मैं लिखूंगा 3x। एक ऑक्सीजन का जनरली वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू बेटा कितने ऑक्सीजन है, दो, तो दो का माइनस चार्ज माइनस फोर हो गया। इस पूरी स्पीसीज पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो कितना लिख दूं, जीरो। तो बेटा यहां से एक्स आप सोल्व करोगे कितना मिल गया बोलो, प्लस 4/3। क्या ये तरीका समझ आया। दूसरा देखिए बेटा, KMnO4 में मैग्नीज की स्टेट निकालनी है। पोटेशियम एक है, एल्कली मेटल है बेटा, कितना लिखूं, प्लस वन, मैग्नीज का एक्स, एक ऑक्सीजन का माइनस दो, चार का माइनस आठ बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस सेवन। अब तो समझ आया होगा बेटा, फॉस्फोरस का एक्स माना, एक ऑक्सीजन का माइनस दो लेना होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, तो चार का माइनस आठ और बराबर कितना चार्ज बचा हुआ है, माइनस का तीन, तो एक्स बराबर प्लस का पांच आया। अब तो समझ आया होगा ना बेटा आपको। यहां पर बेटा सल्फर के लिए आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, प्लस फोर। यहां नाइट्रोजन का देखो एक बार बेटा, नाइट्रोजन का एक्स माना, एक हाइड्रोजन का प्लस वन, चार का प्लस फोर बराबर प्लस वन, तो बेटा एक्स बराबर क्या, माइनस का तीन आया क्या। अब तो समझ आया होगा भाई, कितने ब्रोमीन है, तीन है बेटा, तो तीन के लिए 3x ले लिया,
8 ऑक्सीजन का माइनस 16 चार्ज है नहीं बराबर 0, तो x बराबर प्लस 16/3 आया क्या? अरे अब तो समझ आया होगा, यहाँ बोरोन का देखिए सोडियम का कितना लूंगा मैं प्लस 1, बोरोन का सोल्व करना है कितना मानूंगा x, रुको हाइड्रोजन और बोरोन में से किसकी ईएन ज्यादा है? अरे हाइड्रोजन और बोरोन में से किसकी ईएन ज्यादा है? हाइड्रोजन की। तो बेटा हाइड्रोजन की अगर ईएन ज्यादा है तो हाइड्रोजन पर माइनस आएगा, ध्यान दें इस बात पे, हाइड्रोजन मेटल के साथ माइनस का होता है, ये सब लोग रटवा देते हैं बेटा, लेकिन बस ऐसे मत रटो, उसको ऐसे ध्यान दो कि हाइड्रोजन हर उस एलिमेंट के साथ माइनस का होगा जिसकी ईएन कम हो। ये बोरोन के साथ भी माइनस का है, मेटल के साथ माइनस का क्यों है? क्योंकि मेटल्स की ईएन जो है बेटा हाइड्रोजन से कम है, लेकिन बोरोन की भी तो हाइड्रोजन से कम है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन माइनस का है। ये बहुत छोटी सी पॉइंट है बेटा, बहुत छोटा सा पॉइंट जो एग्जाम में एरर करवा देता है। हाइड्रोजन की तुलना में बोरोन की तुलना में हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है तो बोरोन के साथ हाइड्रोजन माइनस का लेना है। तो देखो बेटा चार हाइड्रोजन है, कितना लू माइनस का चार्ज बराबर माइनस 4 और एक्स बराबर बेटा कितना प्राप्त हो गया बोलो भाई? अरे प्लस का 3 आ गया क्या? बिल्कुल बेटा, क्या ये स्थिति क्लियर है आपको? पीएच 3 में बेटा बोला ना पी और एच की सिमिलर होती है लेकिन फॉस्फोरस की थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा फॉस्फोरस का सोल्व करना है, फॉस्फोरस का एक्स मान लो, अब क्योंकि बेटा फॉस्फोरस की ईएन ज्यादा है तो जिसके साथ जिसकी ईएन ज्यादा है उसके साथ तो हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस का, जनरली अपन को वही देखने का मिलता है बेटा। तो 3 हाइड्रोजन का प्लस 3 हो गया बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 3। यहां हाइड्रोजन सोल्व करोगे कितना आएगा? प्लस 3। क्या तरीका समझ आया बेटा आप लोगों को? अब आप लोग क्या करेंगे बेटा कि यहां पर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन सबके लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फटाफट से। कार्बन की C6H5CHO में, इसमें बेटा सल्फर की, मैग्नीशियम मरकरी दोनों की, ग्रेफाइट में कार्बन की, FeCO5 में आयरन की, KCOCO का होल फोर में बेटा CO की, यहाँ एल्यूमिनियम की, ठीक है ना, सल्फर इन टेट्राथायोनिक एसिड, सल्फर इन कैरोज एसिड, सल्फर इन ओलियम, सल्फर इन मार्शल एसिड, फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस इन फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरिक फोनिक, ये फोरिक आर है बेटा, ये क्या है आर, फॉस्फोरिक फॉस्फोनिक और फॉस्फिनिक, तीनों के अंदर आपको फॉस्फोरस की स्टेट निकालनी है मेटाफॉस्फोरिक में। फटाफट सोल्व करिए बेटा, आप लोग पोज करके सोल्व कर लीजिए, मैं आंसर लिख रहा हूं, कोई तकलीफ हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। हाँ यहाँ पर टोटल कार्बन कितना है बेटा? 6 C6H5CHO, टोटल कार्बन कितने बेटा? 7 है ना बेटा, अगर 7 कार्बन है तो 7x मैं लिख लूंगा, एक हाइड्रोजन का प्लस 1 लेते हैं बेटा, 5 और 1 6 का कितना होगा प्लस 6, एक ऑक्सीजन का कितना लेते हैं बेटा माइनस 2, चार्ज कितना है 0, तो देखो बेटा कितना आ गया कुल मिलाकर 7x प्लस 4 बराबर 0 बेटा x बराबर कितना आ गया माइनस 4/7। सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है बेटा, बिना चार्ज का 0 स्टेट होगी बेटा, अमलगम में 0 होगा, एलोट्रोपिक फॉर्म में भी बेटा स्टेट 0 होती है, सिर्फ CO5 है बेटा, सिर्फ कार्बोनिल जुड़ा हुआ आयरन के साथ में, तो ये भी 0 होगा बेटा। रुको, यहाँ कार्बोनिल तो है लेकिन ध्यान दे, मैंने बोला था कि सिर्फ कार्बोनिल जुड़ा हो तो सीधा आप 0 ले लेना, लेकिन यहाँ पर तो बेटा सिर्फ कार्बोनिल ही नहीं जुड़ा हुआ, पोटेशियम भी साइड में, कैसे सोल्व करें? बहुत आसान है, देखो इधर एक पोटेशियम है उसका प्लस 1 ले लो। हाँ बेटा कोबाल्ट CO, अरे ये CO कोबाल्ट है और ये CO कार्बोनिल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोबाल्ट का मैंने X मान लिया बेटा, अच्छा एक CO का कितना 0, तो 4 का भी 0 बराबर, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं बच रहा 0, तो X बराबर कितना आ गया माइनस का 1। यहाँ कोबाल्ट माइनस 1 स्टेट का है, अरे कैसा है बोलो, माइनस 1 का। यहाँ बेटा देखो एल्यूमिनियम की पूछा है, लिथियम कितना होगा बेटा प्लस 1, एक एल्यूमिनियम का एक्स माना, मेटल के साथ हाइड्रोजन सीधे भी माइनस का ले सकते हो, तो 4 के साथ में बेटा माइनस का 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आया प्लस 3, ठीक है बेटा। टेट्राथायोनिक एसिड बोलो बेटा, टेट्राथायोनिक एसिड क्या ये फॉर्मूला अपन कहीं पढ़ चुके हैं क्या बेटा? टेट्राथायोनिक एसिड H2S4O6, और बेटा मैं ये कहूंगा कि आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, वहां से डिटेल में ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मूला हमेशा दिमाग में होने चाहिए, क्या है बोलो H2S4O6 बेटा। यहां से मैं डायरेक्ट सोल्व करना चाह रहा हूँ सल्फर के लिए, देखो एक हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, 2 का प्लस 2, 4 सल्फर का 4x होगा, एक ऑक्सीजन का माइनस 2, 6 का माइनस 12 बराबर 0, तो बेटा यहां से देखिए x बराबर क्या प्लस का 2.5 आया क्या? बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला देख के भी चिपका सकते थे, देखो एक ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है, 6 का माइनस 12,
अच्छा दो हाइड्रोजन का प्लस हो गया तो बेटा माइनस का 10 बचा, तो उस माइनस 10 को बैलेंस करने के लिए चार सल्फर को प्लस 10 लगेंगे, चार सल्फर के प्लस 10 तो एक सल्फर का प्लस 2.5, दोनों तरीके से आना चाहिए। कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5, जिसे परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अगर मैं ट्रिक से सोल्व करना चाहूं जो अभी आपको बताया, तो क्या प्राप्त होगा? देखो एक ऑक्सीजन का माइनस 2, पांच का माइनस 10, दो हाइड्रोजन से बैलेंस हो गए दो चार्ज बेटा, तो बच गया कितना? माइनस का 8, तो उसे बैलेंस करने के लिए सल्फर पर प्लस 8 होना चाहिए था, लेकिन यहां सल्फर का प्लस 8 होता नहीं है। अरे सल्फर की मैक्सिमम ही पॉसिबल प्लस 6 होती है, सल्फर के वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, तो प्लस 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी बेटा जितना होना चाहिए था बेटा, देखो प्राप्त जो हो रहा है ना बेटा वो बहुत ज्यादा मिल रहा है अपन को, 8 मिल रहा है, जबकि सल्फर का प्लस 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं इसमें परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, तो स्ट्रक्चर बचाना पड़ेगा बेटा। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो S OOOH और क्या होता है OOH। अब बेटा यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये सल्फर आपको कितना मिलेगा? प्लस 6। तो फिर बेटा यहां एक ट्रिक बना लेते हैं अपन। ट्रिक क्या कि सोल्व करने पर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आ रहा हो तो मैक्सिमम लिमिट टिक कर दो। कि सॉल्व करने पर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आ रहा हो तो मैक्सिमम लिमिट टिक कर दो। और मैक्सिमम लिमिट बेटा रटो मत, समझा देता हूं मैं आपको। देखो इधर कि मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, बोरोन फैमिली कॉन्फिगरेशन बेटा NH2NP1 होता है, कार्बन फैमिली में बोलो बेटा, बोरोन फैमिली में दोबारा लिख रहा हूं बेटा एक बार NH2NP1, कार्बन फैमिली NH2NP2, नाइट्रोजन फैमिली NH2NP3 बेटा, ऑक्सीजन फैमिली NH2NP4 और हैलोजन फैमिली NH2NP5। यहाँ वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो ये मैक्सिमम प्लस 3, ये मैक्सिमम प्लस 4, ये मैक्सिमम प्लस 5, ये मैक्सिमम प्लस 6 और ये मैक्सिमम प्लस 7 हो सकता है बेटा। उसमें से भी फ्लोरीन नहीं हो सकता कभी भी प्लस स्टेट में, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ माइनस 1 की होती है जब भी किसी से जुड़ा होता है, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन सबसे ज्यादा है। तो देखो ना, बोरोन की मैक्सिमम प्लस 3, एल्यूमिनियम की मैक्सिमम प्लस 3, सिलिकॉन की मैक्सिमम प्लस 4, फास्फोरस की मैक्सिमम प्लस 5, सल्फर की मैक्सिमम प्लस 6, क्लोरीन की मैक्सिमम प्लस 7। देखो ना सल्फर की मैक्सिमम कितनी है बोलो? प्लस 6। अच्छा मैग्नीज की मैक्सिमम प्लस 7 हो सकती है, क्रोमियम की मैक्सिमम प्लस 6 हो सकती है। ये वो है बेटा जो आपको याद अगर रहे तो कोई बुराई नहीं है। सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है बोलो? प्लस 6। और यहां से सोल्व करने पर आपको प्लस 6 से ज्यादा मिल रहा था ना, तो मैक्सिमम टिक कर दो। ध्यान दें सीधे मैक्सिमम कब टिक करना है बेटा, जब जब मिलने वाली स्टेट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से ज्यादा हो। भाई मिलने वाली स्टेट अगर लिमिट तक चल रही है, मतलब जितनी मिल सकती थी उसी रेंज के अंदर है, तो जो आया वो टिक करो। ध्यान दें मैक्सिमम मैक्सिमम वाला जो आया वो ही टिक करें, कब? जब वो मैक्सिमम या उसके अंदर हो। लेकिन अगर मैक्सिमम को क्रॉस करे तो मैक्सिमम टिक करो। अब मैक्सिमम टिक करने वाली बात कब आएगी? जब मैक्सिमम को क्या करे? क्रॉस करे। देखो बेटा ओलियम फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? H2S2O7। ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सी एसिड्स में पढ़ाए जाते हैं पूरे। डायरेक्ट सोल्व करते हैं बेटा। हाँ भाई डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। देखना बेटा एक ऑक्सीजन का माइनस 2, सात का माइनस 14। अब माइनस 14 को बेटा दो हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया गया तो माइनस का 12 बचा। अब माइनस का 12 के लिए दो सल्फर है बेटा, यहाँ पर प्लस 12 आएगा तो बेटा दो सल्फर का प्लस 12 एक का कितना हो गया? प्लस 6। क्या मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो सीधा प्लस 6 टिक कर दो। मार्शल एसिड क्या होता है बोलो भैया? H2S2O8 और इसमें एक परोक्सी बॉन्ड होता है मार्शल एसिड में बेटा। मार्शल एसिड में एक परोक्सी बॉन्ड होता है, कैसे पता लगा? देखना बेटा 8 ऑक्सीजन के लिए माइनस 16 होना चाहिए, दो हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं बेटा उसको, तो बताइए कितना बचा? माइनस का 14। अब माइनस 14 के लिए दो सल्फर का प्लस 14 चाहिए बेटा, दो सल्फर का अगर प्लस 14 होगा तो एक का प्लस 7 आ रहा है बेटा, प्लस 7 आ रहा है जबकि संभव नहीं है, सल्फर मैक्सिमम प्लस 6 हो सकता है, तो प्लस 6 टिक कर दो। और इसमें कहीं ना कहीं परोक्सी बॉन्ड रहा होगा जो आप ऑक्सी एसिड्स में पढ़ते हैं। क्या ये क्लियर है बेटा आपको? मान लीजिए बेटा मैंने यहां एक और नाम लिख दूं क्या? थोड़ी जगह है क्या कहीं पर?
नहीं है, कोई बात नहीं आगे लिख लेंगे बेटा। अरे नाराज ना हो, लिखवा दूंगा आगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा। चलो कुछ लोगों को तो बहुत तकलीफ हो जाती है थोड़ा सा जोड़ते। चलो लिख रहा हूं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2S2O3। ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां सल्फर की सॉल्व करना चाह रहा हूं एक्चुअली मैं बेटा इसमें। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, तीन का माइनस छह, दो हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं बेटा, तो माइनस का चार बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब माइनस का चार अगर बच गया बेटा, माइनस का चार बचा हुआ है बेटा, दो सल्फर से प्लस चार बैलेंस होगा, तो एक सल्फर से कितना बैलेंस होगा बोलो, प्लस टू। तो यहां वास्तव में ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, प्लस टू आया। अरे क्या स्थिति क्लियर है बेटा आपको। डाइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड बेटा, टेट्राथायोनिक एसिड, डाइथायोनस एसिड, ट्राइथायोनस एसिड और टेट्राथायोनस एसिड, वो आप कहां से पढ़ोगे, ऑक्सी एसिड से पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं और बाकायदा ऑक्सी एसिड्स में पढ़ाए भी जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर जो आपको लिखवाई गई है बिल्कुल बाकायदा आप वो याद करिए, फायदा रहेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद में, हाइपोफोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फिनिक और फोस्फोनिक, फोस्फिनिक, पहले इन तीनों को मैं सल्टा दूं, सिंपल है बहुत। फोस्फोरिक एसिड H3PO4, फोस्फोनिक एसिड H3PO3 और यह होता है H3PO2। इसका दूसरा नाम फोस्फोरस एसिड भी है, इसका दूसरा नाम हाइपोफोस्फोरस एसिड भी है, और आपको ये वाले नाम भी पता होना चाहिए बेटा। यहां आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा बेटा प्लस पांच, ये प्लस तीन और ये प्लस एक, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ये होता है बेटा H4P2O6 हाइपोफोस्फोरिक एसिड। ज्यादा डिटेल में मैं फिर नहीं जाऊंगा बेटा, फिर कह दूं, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स में आपसे डिस्कस किया जा चुका है, और आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर वहां पर जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार कह रहा हूं आपको बेटा। हाँ देखो बेटा, छह ऑक्सीजन के लिए माइनस 12, तो चार हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए काम आ गए, तो बेटा कितना बचा, माइनस का 8। अब बेटा दो फॉस्फोरस माइनस 8 को बैलेंस कर रहे हैं तो प्लस 8 लगा होगा, तो एक के लिए कितना लगा होगा, प्लस 4। अब तो समझ आया क्या बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेटा क्या होता है, HPO3, ठीक है। अब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है होने को बेटा, लेकिन स्टेप तो निकल जाएगी, यहां से स्टेप निकालोगे फास्फोरस की कितनी मिलेगी, प्लस 5। क्या आपको तरीका समझ आया। फिर मैं कह दूं कि देखो ऑक्सी एसिड्स आपको बेटा याद करने हैं, सिर्फ इतने ही नहीं, जो भी ऑक्सी एसिड्स आपको पढ़ाए गए हैं कृपया करके उनकी स्ट्रक्चर, उनके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उनकी बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, जो भी आपको पढ़ाई गई है बाकायदा पूरी याद करें, रिक्वेस्ट आपसे बेटा जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और उदाहरण है बेटा जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है अपन को। देखिए बेटा, क्रोमियम के लिए मैं कितना मान लूं, एक्स, एक अमोनिया का 0, 5 का भी 0, CO3 है ये, CO3 मतलब CO3 पर होता है माइनस का 2 कार्बोनेट आयन, तो बेटा ये हो गया माइनस का 2। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो दो तरीके होते हैं बेटा, चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूं, शायद आपने वही पढ़ा होगा, इधर देखना एक बार बेटा। अरे भाई ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा वो मैं बताता हूं कि इस Cl पर माइनस 1, तो इस पूरे डब्बे पर कितना बच गया, प्लस 1, ये पढ़ा होगा, ठीक है, इस डब्बे पर प्लस 1 बच गया। अब क्रोमियम का मैं कितना मान लू बेटा, X अमोनिया का 0 हो गया और CO3 पर होता है माइनस का 2। अब क्या कि बेटा X प्लस 0 माइनस 2, और वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर बेटा, प्लस 1, तो X बराबर कितना आ गया, प्लस का 3। क्या आपको तरीका समझ आया क्या बेटा आप लोगों को, भाई क्लियर है। यहां दोनों आयरन की स्टेट आपको बतानी है, तो बेटा इस बाहर वाले की तो डायरेक्ट आएगी, देखो ये 3 इसके माथे पर जाएगा प्लस के साथ, और ये 4 इसके माथे पर आएगा माइनस के साथ, यानी इसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है बेटा, Fe प्लस 3 और उसके 4 आयन, और ये कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं FeCl होल 6 का बेटा, ये सॉरी FeCl होल 6 और उस पर बेटा माइनस का 4 और ऐसे कितने बेटा 3, तो इस आयरन का तो प्लस 3 हो चुका, कितना हो गया, प्लस 3 बेटा इस आयरन का।
अब मैं बात करूंगा इस आयरन की बेटा, तो इस आयरन को सोल्व करने का तरीका देखो बेटा, आयरन का एक्स हो गया, एक साइनाइड का माइनस वन होता है, छह का माइनस सिक्स बेटा माइनस चार, एक्स बराबर कितना बच गया प्लस टू, यानी ये वाला आयरन प्लस टू का है और ये वाला आयरन प्लस थ्री का था। अब तो समझ आया होगा बेटा, तीन आयरन है, 3x माइनस आठ जीरो, तो x बराबर प्लस एट बाई थ्री, तीन कार्बन है, 3x बेटा प्लस चार बराबर जीरो, तो बेटा x बराबर यहां से कितना हो गया माइनस फोर बाई थ्री। आइए देखना बेटा, 0.96x, एक ऑक्सीजन का माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो बाई पॉइंट नाइन सिक्स बेटा कितना आ गया 200 by 96, 2 point something आ जाएगा बेटा। अरे कर लोगे ना, इतना तो बेटा परमैग्नेट होता है MnO4 माइनस और बेटा मैग्नेट होता है MnO4 2 माइनस, ध्यान रखना बेटा परमैग्नेट होता है MnO4 माइनस और मैग्नेट होता है MnO4 2 माइनस। यहाँ पर मैग्नीज की स्टेट है बेटा प्लस सेवन और यहाँ मैग्नीज की स्टेट है प्लस सिक्स। पर क्लोरेट आयन क्या होता है ClO4 माइनस और यहाँ पर क्लोरीन की स्टेट कितनी है बेटा प्लस सेवन। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है बेटा Cr2O7 2 माइनस और स्टेट बेटा क्रोमियम की यहाँ पर है प्लस सिक्स, ठीक है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, अगर बेटा डायरेक्ट कंपोजिशन की मैं बात करूं तो क्या लिखा जाता है Ca, एक तरफ Cl और एक तरफ OCl पूरा जुड़ा होता है बेटा, ये Cl माइनस और OCl का माइनस बेटा, और इसमें से अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये क्लोरीन तो माइनस वन का ही है और ये वाला क्लोरीन कैसी स्टेट का है बेटा प्लस वन का, ये क्लोरीन माइनस वन का और ये क्लोरीन प्लस वन का। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना बेटा वो चार्ज है, क्या है वो चार्ज है बचा हुआ, और ये बेटा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना वो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। नहीं समझे क्या, डरो मत। इधर देखो बेटा OCl का माइनस वन, ये माइनस वन चार्ज था, अब अगर मैं क्लोरीन की स्टेट निकालूं तो क्लोरीन का x माना, एक ऑक्सीजन का माइनस का दो होता है बराबर माइनस वन, तो x बराबर प्लस वन आया ना, तो वही वाली बात है बेटा, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन माइनस वन का और एक क्लोरीन प्लस वन का होता है। ये ब्राउंडिंग कॉम्प्लेक्स है क्या बेटा Fe2O5 NOSO4। यहाँ पर ध्यान दे बेटा कि जब भी ध्यान दे आयरन के साथ NO होता है ना बेटा, आयरन के साथ NO जब भी होता है तो NO प्लस वन का होता है, ये काम आएगा। अब सोल्व करते हैं बेटा कि SO4 पर कितना है बेटा माइनस का टू, तो इस पूरे डब्बे पर कितना बचेगा प्लस का टू। आयरन का मैंने X मान लिया, H2O का कितना होगा जीरो और NO का प्लस वन होता है आयरन के साथ, बराबर कितना बच गया प्लस टू, तो X बराबर कितना रहा होगा प्लस वन, दैट मींस ये आयरन प्लस वन स्टेट का है बेटा। जनरली आयरन की प्लस वन स्टेट आसानी से देखने को नहीं मिलती बेटा, लेकिन ब्राउंडिंग कॉम्प्लेक्स में होती है। यहां आपको ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है ऑक्सीजन का बेटा, ठीक है। अब एक्चुअली बेटा यहां पर सिचुएशन क्या है आपके पास में, छोटी सी एरर है क्या एक्चुअली, ये क्या होता है, ये होता है PtF6 माइनस और O2 पे होता है प्लस, एग्जैक्टली ये आप लोग पढ़ते हो कहां पर बेटा, जहां आप पढ़ते हो कि इनर्ट गैस के कंपाउंड्स की जो डिस्कवरी हुई बेटा, नील बर्टलेट ने सबसे पहले कंपाउंड बनाया था ना बेटा जिनन का XePtF6 वाला बेटा, तो वो किसको देख के बनाया था O2 को, क्योंकि O2 की और जिनन की IP सिमिलर थी, वहां से है ये सवाल। तो PtF6 माइनस है और O2 पे प्लस है, अब दो ऑक्सीजन पर प्लस का वन है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा प्लस का आधा, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना बेटा किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ऑक्सीजन की बेटा, वो कितनी है प्लस आधी, कितनी है प्लस आधी। अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग हैज ऑक्सीजन इन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन की स्टेट माइनस वन है, चेक करते हैं। जनरली बेटा ऑक्सीजन जो हो वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है और MnO2 में ऑक्सीजन बेटा ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो ये ऑक्सीजन माइनस टू वाला है बेटा। फ्लोरिन जो है वो एक फ्लोरिन माइनस वन का होगा, तो दो फ्लोरिन कैसे होंगे माइनस टू के, दोनों ऑक्सीजन पर प्लस का टू, तो एक पर हो गया प्लस वन, ये भी नहीं रहा ये भी नहीं रहा। अब बेटा इनके साथ में अटैच है एस ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक वाले अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करवाते हैं। एल्कली मेटल हमेशा प्लस वन बनाता है, तो सोडियम बेटा प्लस वन रखेगा, एक ही सोडियम है, अगर सोडियम पर प्लस वन तो इन दोनों पर मिलाकर माइनस वन, दो पर माइनस वन तो एक पर माइनस का आधा,
ठीक है बेटा। यहां पर देखो बेरियम का क्या होगा बेटा, प्लस टू, और दोनों ऑक्सीजन का माइनस टू। अब दो ऑक्सीजन का माइनस टू है तो एक ऑक्सीजन का माइनस वन होगा, यहाँ एक ऑक्सीजन का कितना रहा बेटा, माइनस का आधा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, देखो एन ए पर प्लस वन तो दोनों ऑक्सीजन पर माइनस वन, दो पर माइनस वन तो एक पर माइनस का आधा हो गया बेटा, यहाँ दो पर माइनस का दो है तो एक पर कितना हो गया माइनस का वन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपके इसमें सेकंड वाला। क्या आपको तरीका समझ आया बेटा, बार बार रिवाइज करें प्रैक्टिस करें और आ जाएगा। क्रोमाइट ओर में ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब बेटा कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने लिखवा दिए जो आपने और भी चैप्टर्स में पढ़े। क्रोमाइट ओर होता क्या बेटा, FeCr2O4 FeOCr2O3 की कंडीशन होती है। इनिशियल बेटा मैटर होता है ना ये डाइक्रोमेट बनाने के लिए, कुछ याद हो तो आपको। और यहाँ पर बेटा याद रखने वाला है बेटा, समझने वाला क्या, इसमें आयरन प्लस टू का होता है और प्लस थ्री का होता है। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि क्रोमाइट ओर में आयरन और क्रोमियम की स्टेट क्या क्या होती है, तो बेटा आयरन की इसमें प्लस टू है और क्रोमियम की कितनी है बोलो, प्लस थ्री। क्लियर है बेटा। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। तो देखिएगा बेटा नाइट्रोबेंजीन की मैं बात करूं तो ये है, और बेटा कन्वर्ट करवाया गया है किसमें, एनिलीन। तो पहले तो ये कि बेटा कुल मिलाकर एक तरह से NO2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NH2 माइनस में। मैंने माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये भी कार्बन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन और कार्बन में से नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, मुझे सबका सोल्व ना करना पड़े इसलिए मैंने एज ए ट्रिक ये ले लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा यहां नाइट्रोजन की स्टेट में जो चेंज आ रहा है ना बेटा, वो कितने का रहा है एक बार देखना। इधर ये नाइट्रोजन बेटा, इसको मान लो x, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, दो का माइनस चार बराबर माइनस वन, तो x बराबर प्लस का तीन था। ठीक है, यहां नाइट्रोजन के लिए x बेटा एक हाइड्रोजन का प्लस टू, सॉरी एक हाइड्रोजन का प्लस वन, दो का प्लस टू बराबर माइनस वन, तो x बराबर माइनस तीन। कुल मिलाकर यहां जो नाइट्रोजन की स्टेट में चेंज आ रहा है ना बेटा, यहां जो नाइट्रोजन की स्टेट में चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, छह का। ये ध्यान रखना आपको, चेंज कितने का आ रहा है, छह का। समझे क्या भाई आप लोग बेटा, नाइट्रोजन की स्टेट में चेंज छह का आ रहा है। क्लियर है। अब देखो आपको दिया हुआ है, चाहो तो इससे सोल्व कर लेना बेटा, ये ट्रिक है। प्लस तीन से माइनस तीन चिपका दिया मैंने नाइट्रोजन को, ये ट्रिक है। अब आपको बोला गया कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन थी, तो बेटा अगर 12.3 ग्राम थी मेरे पास नाइट्रोबेंजीन, तो बेटा उसको मैं मोल में बदल लूं। नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास 123 मिलता है, तो कितना मोल आ गया, 0.1 मोल। अब सोचना एक बार, सोचना कि इसके एक मोल को जरूरत होती है 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि रिएक्शन मोलर रेशो में होती है हमेशा। आराम से सुन लो, एक मोल को जरूरत है 6 मोल इलेक्ट्रॉन की। यहां अगर एक मोल है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। एक मोल को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 0.1 मोल को 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो देखिए बेटा, इसने बोला कि 0.6 इलेक्ट्रॉन, गलत, 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन सही। फिर आपने पढ़ा होगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 96500 कूलाम होता है। बेटा ये तीसरा सही कि गलत, गलत है। अरे भैया 96500 लिखता ना, गलत है बेटा। 6 फेराडे चाहिए या 0.6 फेराडे, 0.6 फेराडे, ये भी गलत है। अरे समझे क्या बेटा आप लोग, एक मोल को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 0.1 मोल को 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 96500 लिखते हैं, जबकि यहाँ 9650 लिखा हुआ था, या एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फेराडे लिखते हैं तो यहाँ पर 0.6 फेराडे होना चाहिए था, तो ये दोनों ही गलत है। यहाँ जीनन की स्टेट निकाले बेटा, जीनन का एक्स मान लो, एक ऑक्सीजन का माइनस दो, दो का माइनस चार, एक फ्लोरिन का माइनस वन, दो का माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या, प्लस का सिक्स आया क्या भाई बोलो। हाँ बेटा, यहां जीनन प्लस सिक्स आ गया। दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग निकालनी है बेटा आपको, अलग अलग निकालनी है, एवरेज नहीं निकालनी। देखिएगा बेटा एग्जैक्टली ये किस फॉर्म में होता है, आयनिक है, NH4 प्लस NO3 माइनस की फॉर्म में।
अब सोल्व करेंगे, नाइट्रोजन का x मान लो, एक हाइड्रोजन का प्लस वन, चार का प्लस फोर बराबर प्लस वन, तो x बराबर माइनस का तीन। यहाँ नाइट्रोजन का x मानो माइनस छ, माइनस वन, एक्स बराबर प्लस का पांच। तो बेटा ये नाइट्रोजन माइनस तीन आया, ये नाइट्रोजन प्लस पांच आया, दोनों की स्टेट अलग अलग है। दूसरा देखे बेटा क्या है, बोलो NH4 प्लस और NO2 माइनस है। इस नाइट्रोजन के लिए बेटा फाइनली देखो NH4 प्लस है, तो ये तो क्या मिलेगा बेटा माइनस का तीन, और ये आपको मिलेगा बेटा प्लस का तीन। सोल्व कर चुके हैं बेटा पहले भी अपन। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ये होता है। हाँ बेटा करिए ट्रीट इसको, माइनस टू प्लस टू, कार्बन और सल्फर में से सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, अरे कितना हो गया बेटा जीरो। क्या आपको तरीका समझ आया बेटा, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको निकालनी है जरूर से बेटा, फटाफट फटाफट से। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशंस बेटा, कि उसका यूज क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सेंट्रल एटम, ये सी ए जो है सेंट्रल एटम को लिखा है मैंने बेटा, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। लेकिन ध्यान दें ये खास बात जो लागू होती है ना बेटा, ये तब लागू होती है जब सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो। कि नाइट्रोजन ही है सब जगह, एक में नाइट्रोजन का प्लस वन, एक में नाइट्रोजन का प्लस थ्री, एक में नाइट्रोजन का प्लस फाइव, तो जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। यहां पर सवाल है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ सल्फर माइनस टू का, सल्फर प्लस चार का, सल्फर प्लस सिक्स का, तो सेंट्रल एटम सेम और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सही की गलत। एकदम सही है बेटा। यहाँ क्लोरीन प्लस वन का, प्लस तीन का, प्लस पांच का, प्लस सेवन का बेटा ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एकदम सही है बेटा। यहाँ नाइट्रोजन माइनस तीन का बेटा, यहाँ नाइट्रोजन माइनस दो का, यहाँ नाइट्रोजन बेटा माइनस वन का। देखो नाइट्रोजन का एक्स मानो, एक हाइड्रोजन का प्लस वन, तीन का प्लस तीन, माइनस का दो बराबर जीरो। हाँ बिल्कुल माइनस वन का आ रहा है, ये बेटा माइनस वन बाय थ्री, तो देखो माइनस कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कुछ सोचो ये अमोनिया, और इसको बोलते हैं एनएच को हाइड्रोजोइक एसिड, एसिडिक हो गया। यहाँ नाइट्रोजन बेटा प्लस वन का, यहाँ प्लस थ्री का, प्लस चार का, प्लस पांच का, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब ये भी सही है। फॉस्फोरस प्लस वन का, प्लस तीन का, प्लस पांच का, कायदे से बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी, पर आप जानते हो अच्छे से कि ये एक्सेप्शन है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ना बेटा इनवर्स हो जाता है H3PO2, H3PO3 और H3PO4। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है बेटा, लेकिन इनवर्स में चलता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती उसमें। सबसे ज्यादा कौन एसिडिक है, H3PO2। क्लियर है बेटा आपको। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ टिन है प्लस टू का, यहाँ टिन है प्लस फोर का। जब सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी भाई। इसमें बेसिक पूछा ना बेटा, क्लियर है बेटा आपको। नेक्स्ट है पॉसिबल फॉर्मूला, क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई है ना बेटा, जितने भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई है, उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम है वो जीरो आना चाहिए। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ऑप्शन से चलना होता है इस सवाल में। देखिएगा तीन एलिमेंट है ए बी और सी, इनसे मिलकर बने हुए कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, और आपसे पूछा गया कि पॉसिबल फॉर्मूला कौन सा है। बेटा आप सोल्व कर लो, आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पहले पोज करके सोल्व कर लो फिर चेक करना। ए का प्लस वन दिया हुआ है तो एक ही ए है प्लस का वन, अरे है ना भाई बोलो, ठीक है। बी का प्लस टू, एक ही बी है प्लस टू। अच्छा बेटा एक सी का, एक सी का माइनस वन, तीन का माइनस तीन, क्या जीरो आ गया, बिल्कुल, यानी ये तो पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन ए का बेटा कितना है प्लस वन, एक बी का प्लस टू, दो का प्लस चार, एक सी का माइनस वन, पांच का माइनस पांच, क्या ये भी आ गया, बिल्कुल ये भी है बेटा। दो दो है बेटा, एक ए का प्लस वन है तो दो का कितना हो गया प्लस टू, अरे हुआ ना, एक बी का ही प्लस टू, एक सी का माइनस वन, चार का माइनस चार, ये भी है बेटा। हाँ बी का बोलो बेटा कितना है, बोलो भाई एक ही बी है इसके अंदर, बी का हो गया प्लस टू। रुको एक के कितने है? दो है, एक के कितने हैं दो, तो देखो बेटा एक के अगर दो है, एक ए का प्लस वन है, दो का कितना होगा प्लस टू। अच्छा सी के कितने हैं, दो दो चार, अच्छा एक सी का माइनस वन तो चार का माइनस चार, क्या ये भी जीरो आ गया, बिल्कुल, तो चारों ऑप्शन है। क्या तरीका समझ आया, कोई बात नहीं, नाराज ना हो बेटा, ऐसा भी सवाल है जिसमें एक ही ऑप्शन है, ये वाला सोल्व करो आप पहुंच करके।
कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा है कि ऐसे मत दिया करो, कोई बात नहीं ये करो बेटा, जिसमें एक ही ऑप्शन है करो फटाफट, पोच करके सोल्व कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। हाँ बेटा, पहला अगर मैं सोल्व करूं, x का प्लस टू, एक वाई का प्लस पांच, दो का प्लस दस, एक z का माइनस दो, तीन का माइनस छह, जीरो नहीं आ रहा, नहीं हो सकता बेटा। x का प्लस दो, रुको, y के कितने है? टू इंटू थ्री सिक्स है, छह है वाई के, वाई के कितने है? छह, एक वाई का पांच तो छह का हो गया तीस। अच्छा जेड के कितने है बेटा? तीन ही है, तो माइनस सिक्स, जीरो नहीं आ रहा, थोड़ा एक्स का बेटा प्लस टू। अच्छा वाई के कितने है? एक इंटू तीन, तीन है, तो तीन का कितना हो गया? प्लस का पंद्रह। अच्छा एक जेड का बेटा माइनस दो, अच्छा जेड है कितने? दो तीन छह, टू इंटू थ्री छह, सिक्स बेटा, सिक्स इंटू माइनस ट्वेल्व, हाँ मिला क्या? जीरो बेटा, हाँ यहां भी नहीं मिला। इसमें देखो बेटा x कितना है बोलो? प्लस टू। अच्छा y कितने है? वन इंटू टू दो है, तो दो का प्लस दस हो गया। अच्छा z के कितने है बेटा? टू इंटू थ्री सिक्स है, अरे है ना भाई, तो एक का माइनस दो, छह का माइनस बारह, क्या जीरो मिला? बिल्कुल मिला बेटा, बधाई हो, आंसर फोर्थ। क्या आपको तरीका समझ आया? पहली एप्लीकेशन अपन ने देखी कि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा जब सेंट्रल एलिमेंट सेम हो, ठीक है, और उसमें अपन ने एक एक्सेप्शन भी देखा फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड का। दूसरी अपन ने देखी पॉसिबल फॉर्मूला। तीसरी है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्ट पहचानना जब रिएक्शन ना दी गई हो। कुछ होता है ना बेटा, किसी एलिमेंट के लिए, किसी कंपाउंड के लिए बोल देना कि ये तो सिर्फ वो ही हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो सकता है, अगर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग होगा वरना नहीं होगा, या फिर होगा तो रिड्यूसिंग होगा वरना नहीं होगा, वो वाली बात है। रिएक्शन दी होती है तो उसको देखते सॉल्व करते हैं, लेकिन रिएक्शन ना दी हो, डायरेक्ट देखना हो तो क्या, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम स्टेट में आ चुका, इसका मतलब बेटा मैक्सिमम प्लस चार्ज आ चुका, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता था ऑलरेडी दे चुका, अब तो बस सिर्फ खाएगा, और खाने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम स्टेट में आ गया तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मिनिमम स्टेट मतलब बेटा मिनिमम, यानी बेटा वो माइनस चार्ज गेन कर चुका है जितना कर सकता था, और माइनस गेन कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन खाता है, यानी जितने खा सकता था खा चुका, अब तो सिर्फ देगा, और देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई एलिमेंट बेटा अपनी मैक्सिमम या मिनिमम स्टेट में से कोई बीच की कैटेगरी में आ जाए तो फिर वो दोनों का काम कर सकता है। अब मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, कुछ देर पहले मैक्सिमम तो डिस्कस की थी मैंने, बोरोन का NH2NP1, फिर NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, तो बेटा बोरोन फैमिली की मैक्सिमम, वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम पॉसिबल प्लस तीन, मैक्सिमम चार, मैक्सिमम पांच, मैक्सिमम छह, मैक्सिमम सात, लेकिन बेटा यहां मैं लिखूंगा फ्लोरीन की बेटा सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? माइनस वन, जब भी किसी से कंबाइंड फॉर्म में होगा तो मिनिमम। देखना इनर्ट गैस को, सॉरी हैलोजन को इनर्ट गैस में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, माइनस वन। ऑक्सीजन फैमिली को दो की जरूरत है, माइनस टू। नाइट्रोजन फैमिली को माइनस तीन, कार्बन फैमिली को चार। और बेटा जनरली ये प्लस वाली स्टेट एग्जिबिट करते हैं बोरोन फैमिली वाले, बेटा जनरली इनकी माइनस स्टेट आसानी से देखने को नहीं मिलती। तो बेटा कार्बन की मैक्सिमम प्लस चार है, मिनिमम माइनस चार है, सल्फर की मैक्सिमम प्लस सिक्स है, मिनिमम माइनस दो है। जो मैक्सिमम में आ गया तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मिनिमम में आ गया तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और दोनों के बीच में आया तो दोनों का काम कर सकता है। उदाहरण से सीखो ज्यादा समझ आएगा। HNO3 नाइट्रोजन बेटा कौन सी स्टेट में? प्लस पांच। क्या ये नाइट्रोजन की मैक्सिमम है? अरे है क्या भाई, देखो इधर, बिल्कुल है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम है प्लस पांच। तो बेटा मैक्सिमम वाला सिर्फ किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ सल्फर बेटा सेंट्रल एटम माइनस दो, क्या ये इसकी मिनिमम है? क्या बोलते क्यों नहीं, बिल्कुल अगर मिनिमम है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का। अच्छा सॉरी, ये दो बार लिख दिया बेटा गलती से, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ सल्फर प्लस सिक्स मैक्सिमम है सल्फर की, सिर्फ OA का काम करेगा। कार्बन माइनस चार मिनिमम है, सिर्फ रिड्यूसिंग का काम करेगा। कार्बन प्लस चार सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ ऑक्सीजन बेटा माइनस वन आएगा, अरे एक हाइड्रोजन का प्लस वन, दो का प्लस टू, तो दोनों ऑक्सीजन पर माइनस टू, एक पर हो गया माइनस का वन। तो बेटा अगर ऑक्सीजन माइनस वन में, देखना बेटा इधर ऑक्सीजन की मैक्सिमम प्लस सिक्स और मिनिमम माइनस टू थी ना बेटा, तो अगर ऑक्सीजन बेटा माइनस वन में तो इंटरमीडिएट आ गया, यानी दोनों का काम कर सकता है बहुत। और मैं लिखूंगा क्या कि H2O2 कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन
एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। अरे H2O2 जो है ना बेटा, वो आप एसिडिक मीडियम लो तो भी दोनों तरह का काम कर सकता है, और बेसिक मीडियम में भी दोनों का काम कर सकता है, दोनों मीडियम में दोनों तरह का काम कर सकता है बेटा। कौन? H2O2। अरे समझे क्या आप लोग बेटा? अगला पॉइंट सिंपल बता दो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक एलिमेंट की सेम स्टेट का एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, यानी दोनों काम एक साथ होने चाहिए, यानी वो दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग की तरह भी, एक साथ दोनों की तरह बिहेव अगर कर रहा है तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है। लेकिन अगर कोई अपनी मैक्सिमम स्टेट में आ चुका या कोई अपनी मिनिमम स्टेट में है तो दोनों काम तो एक साथ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम वाला सिर्फ ओए का काम करेगा और मिनिमम वाला सिर्फ आरए का काम करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट वाले कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देंगे। तो यहां क्लोरीन प्लस सेवन है, अपनी मैक्सिमम में आ चुका, नहीं देगा। नाइट्रोजन माइनस तीन है, अपनी मिनिमम में आ चुका, नहीं देगा। अब बची इनकी, फ्लोरीन जो है ये भी कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन तो सकता है पर दे नहीं सकता किसी को बेटा। तो बचा कौन? नाइट्रोजन। देखो बेटा क्या प्लस तीन में, अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम प्लस पांच है क्या बेटा? मैक्सिमम प्लस पांच और मिनिमम माइनस तीन है, तो बेटा ना तो ये प्लस पांच है ना माइनस तीन है, यानी दोनों काम कर सकता है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दे सकता है। क्या स्थिति क्लियर हुई बेटा आप लोगों को यहां तक की एप्लीकेशन की?